क्या विडंबना है कि इस देश में जिसके ऊपर में अपराध का एक लिस्ट है, पावर में आता है तो अपने ऊपर से तमाम धाराएं जो हैं वो हटवाता है और फिर सदन में खड़े होकर अपने आप को हीरो बनता है, आंखें चमकाकर और गले फाड़कर और नसें फुलाकर ये कहता है कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। इनके ऊपर में कई आपराधिक मामले थे, कई तरह की धाराएं लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं अपने ऊपर से तमाम धाराएं हटवा देते हैं और ये बात कर रहे हैं कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन किस अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे और किसको नहीं मिलाएंगे वो आप सब लोग जानते हैं। जो अपराधी जिसका नाम उर्दू वाला होगा उसको वो अपराधी नहीं भी मानते हुए अपराधी बनाकर उस पर कार्रवाई होगी। कोई दुबे जैसा अगर होगा अपराधी यानी पंडित ब्राह्मण समाज का तो हो सकता है उस पर भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन इनके पार्टी के खुद के कुछ ऐसे नेता हैं जिसका लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भैया ये सब दूध के धुले हुए हैं और भाजपा का मतलब होता ही है वॉशिंग मशीन। आप कितने भी बड़े क्रिमिनल हो, आपके ऊपर 100 से ज़्यादा धाराएं लगी हुई हों, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप भाजपा में हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को ये क्लियर करके बात करनी चाहिए कि भैया देखो हमारे पार्टी में अगर हो और तुम हिस्ट्री शीटर हो, बहुत बड़े बलात्कारी हो, बहुत बड़े दंगाई हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि आप किसी दूसरे पार्टी के ना हो या दूसरे समाज से ना हो तो आपके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी, बच जाएंगे आप। तो ये सामने जो लिस्ट है आपके मैं दिखाता हूँ, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में क्या क्या धाराएं थीं जो हटवा दिया गया है बाद में 1991 से लेकर 99 से लेकर 2001-2003 हर वक्त, तो उसको पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद से उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनके अपने लोगों का लिस्ट मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ी नज़र डालते हैं इनके जन्म कुंडली पर। दरअसल अगर इनको सजा हो गई तो फांसी की भी सजा हो सकती थी उस वक्त, क्योंकि इनके ऊपर में मर्डर से लेकर दंगा भड़काने तक के संगीन आरोप लगे हुए थे। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इन्होंने अपने ऊपर तमाम जितनी भी धाराएं लगी थी मुख्यमंत्री ही बनते ही सारी चीज़ें हटा ली इन्होंने, तो ये अब अपराधी नहीं है। लेकिन नसें फुलाकर और मुंह चमकाकर अपराधियों के बारे में जरूर बोलेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं कि इनके ऊपर में क्या क्या आपराधिक मामले थे। 1991 में महाराजगंज में दंगा भड़काने का आरोप था जिसमें 147 के तहत केस मुकदमा इन पर दर्ज हुआ था। धारा 148 मतलब घातक हथियार से दंगे भड़काने का आरोप, धारा 295 मतलब पूजा स्थल का अपमान करना, और धारा 297 मतलब कब्रिस्तान पर कब्जा करना। यही नहीं और भी देखिए, 153A मतलब कि दंगा भड़काने के लिए इनके ऊपर में मुकदमा हुआ था। इसके आगे है धारा 307 मतलब हत्या की कोशिश करना, धारा 506 मतलब धमकी, और इसके अलावा और भी लिस्ट है, बहुत सारे लिस्ट हैं जिसको आपको देखकर दंग रह जाइएगा। अभी आगे सुनिए क्या क्या कहानी है इनके साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले मामले पर आते हैं। सन 1999 जिला महाराजगंज, धारा 302 मतलब हत्या का आरोप था इनके ऊपर में। अब सीएम बन गए तो तमाम धाराएं खत्म हो गई हैं। आगे देखिए, धारा 307, 504 और 427 के तहत भी इनके ऊपर केस दर्ज था। देखिए अभी और भी है लिस्ट, धारा 147, 149, 307, 336, 427 के तहत भी केस मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ था। ये तमाम चीजें इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात है। अब आते हैं सन 2006 में, गोरखपुर में 147, 148, 133 से 285, 297 के तहत भी केस दर्ज है। दोस्तों ये हैं हमारे मुख्यमंत्री यूपी के, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुका था उसी वक्त। अब खैर सब कुछ खत्म हो चुका है मामला इनके ऊपर में, क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे ना। अब 2007 की बात करते हैं, 147, 133 से 295, 297, 506 के तहत भी इनके ऊपर में दर्ज है मुकदमा। ये तमाम मुकदमा जो दर्ज हुए हैं, अगर आप इनकी लिस्ट निकालेंगे, फहरिस्त निकालेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसके ऊपर में बनता है मामला, तो समझ में आएगा कि किस तरह के संगीन आपराधिक मामला में ये लिप्त थे। लेकिन अफसोस की बात कि अभी ये सिर्फ सदन में खड़े होकर ड्रामेबाजी की बातें कर सकते हैं। अब आते हैं इनके चेलों के मामले। इन्होंने अभी अभी ये सदन में एक बयान दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसके ऊपर में ये खबर छपी थी और उसके बाद से ये जो नीचे लिस्ट छपी थी जिसको लोगों ने बड़ा ही मज़े लेकर पढ़ा कि ये दागी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई तो करेंगे लेकिन इनको छोड़कर, किन को छोड़कर, इनके अपने लोगों को छोड़कर, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कुलदीप सेंगर का। वही कुलदीप सेंगर जिसने बलात्कार भी किया और उस पूरे परिवार को भी मार डाला, उन्नाव का मामला था, इसके ऊपर में 28 मुकदमे हैं लेकिन अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के 200 नाम है
है जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदयभान सिंह उनके ऊपर 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह, भीषण सिंह, चुलबुल सिंह, मोनू सिंह, ये तमाम वो लोग हैं जो इनके कुनबे के लोग हैं, जो इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और आपको पता है कि भाजपा मतलब होता है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में जाइए, तमाम अपने आपराधिक मामले को धुलवा लीजिए। तो ये नाम आप पढ़ते रहिए सिर्फ, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, मोनू सिंह, ये तमाम जो नाम हैं ये अपराधियों के नाम, लेना देना इनको कुछ भी नहीं है, इनको बस सत्ता से मतलब है और सत्ता में बैठकर लोगों को धर्म के नाम पर राजनीति करना है और बेवकूफ़ बनाना है।